अदृश्यमान वस्तु जिसको हम कहीं ना कहीं अनुभव करने का अवसर हमारे पास है वो है स्वर्ग आदि। ये तो मानना पड़ेगा कि स्वर्ग आदि है, जहाँ पर सुंदर अप्सराएं हैं, जहाँ पर नंदन कानन है, जहाँ पर देवताओं को भूख ही नहीं लगती है, और अक्खज यौवन है, उनका यौवन कभी नीचे ही नहीं जाता, गिरता ही नहीं है, सब समय ही है, वो युवा है, है? इस तरह के स्वर्ग के गुण हैं। और हमें अगर जाएं वैष्णवों के संग में रहें, कहीं ऊपर हिमालय में जाएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि, तो आइडिया लग जाता है कि स्वर्ग है और ज्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन परमार्थ में उसका भी, परोक्ष ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्वर्ग आदि की नित्य सत्ता नहीं है। फिर आता है अपरोक्ष ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म तो है, भगवान के रास्ते तक जाने का मुक्ति तो मिल ही जाती है, लेकिन स्वरूपानुबंधी धर्म जो भगवान के प्रति जीव का दासत्व है, जो रस का एक निदान है भगवान, और जीव भी उस रस को आस्वादन करके कृतकृत हो जाता है, उस धर्म का वहां पर उद्बोधन नहीं है। क्योंकि बहुत से बहुत क्या मिलेगा, ब्रह्म सायुज्य मिल जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, कष्ट तिरोहित हो गया और अपना पड़े हुए हैं। कष्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि सुख है। सुख तो बहुत ऊंची वस्तु है, आनंद तो बहुत ऊंची वस्तु है, जीव सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन अभी इस अवस्था में हम असत अचित निरानंद अवस्था में हैं, कष्टों का ही निवारण नहीं हो पाता। तो परमार्थ में अपरोक्ष दर्शन भी अस्वीकार है। अब आता है अधोक्षज दर्शन है? ये अधोक्षज दर्शन जो है ये विष्णु तत्व है, और इनकी अनुभूति सेवन मुख हुए बिना हो नहीं सकती। अतः श्री कृष्ण नाम आदि इंद्रिय सेवन मुख ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्य। तो सेवा प्रारंभ कैसे होगी, क्या सुबह मंदिर जा करके और ठाकुर जी के आगे प्रणाम करके, पुजारी जी से कुछ हो इलाका भी लगा करके, चरणामृत पी करके क्या सेवन मुक्ता मिलेगी? सैकड़ों जन्मों भी नहीं मिलेगी। ये सेवन मुक्ता वैष्णवों के संग में मिल सकती है। वैष्णव कितने दयामय हैं, कितने वात्सल्यमय हैं, जो कष्ट आप अपनी पत्नी को, अपनी माता को भी नहीं बता सकते, वो आप वैष्णव को बता देते हैं। और आप जान पाते हो कि वास्तव में यही हमारे बंधु हैं। तो उनसे जब आपका कुछ संबंध जुड़ता है, तो वो जो सेवन मुक्ता जो उदित होती है, उससे आपको ऐसा लगता है कि जब हम रोते हैं तो कोई आके हमारे आंसू पहुंच रहा है, वो कोई और नहीं, अधोक्ष तत्व है। उनका उत्तरोत्तर रस का तारतम्य है, नारायण से श्री राम, श्री राम से द्वारकाधीश, द्वारकाधीश से मथुराधीश, मथुराधीश से गोलोक वृंदावन, जो कि अप्राकृत तत्व है। अधोक्ष के अंतर्गत अप्राकृत में अधोक्ष तत्व है, किंतु अधोक्ष में अप्राकृत तत्व नहीं है। लेकिन प्रारंभ जो परमार्थ का है वो कहाँ से है? अधोक्षज तत्व से है। तो हम आए हैं उस अधोक्षज वस्तु को पाने के लिए, और उस अधोक्षज वस्तु को हम मतीर्ण कृष्णे परत स्वतोवा के अपने प्रयास से वो मति मिलेगी नहीं, और दूसरे हमारी मदद करें तो भी नहीं मिलेगी। यथो विपत्या ग्रीवृताना, और दोनों मिलके करें, अपना भी प्रयास हो, दूसरे का भी प्रयास हो, किंतु अगर वो खुद ही अधोक्षज तत्व में स्थापित नहीं है तो भी वो मति मिलेगी नहीं। तो उस मति को पाने के लिए हरि और गुरु का आश्रय अनिवार्य है।
लेकिन वो जो सेवनमुख वृत्ति उदित होगी वो हरि गुरु वैष्णव के आश्रय में उनको भी सर्वस्व मान करके भक्ति एकेश गुरु देवता आत्मा, प्रभु मेरा जो भी कुछ है वो सब आपका है। तो आज बड़ा शुभ एकादशी का दिन है। पुराणों में उपाख्यान मिलता है सुमति उपाख्यान। एक ऋषि के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ और जो भी उसने चलना शुरू किया वो छोटे छोटे भगवान का नाम बोलो, भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान करो, और रोता भी नहीं था, सब समय मुस्कुराता रहता था। तो ऋषि ने तो कि इस बच्चे के तो बड़े लक्षण लक्षण है। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये तेरे को किसने सिखाया कि भगवान का नाम करो, सब समय भगवान का ध्यान करो, ये तेरे को किसने सिखाया? तो बच्चा अपने पिता को बताता है कि मैं पूर्व जन्म में राजा था और शिकार करते करते जंगल में भटक गया, मेरी सेना भी पीछे रह गई और सेनापति आदि भी मेरे से छूट गए, और आ करके मैं एक नदी के किनारे शाम को आ लगा जहाँ पर पिरवान जंगल था। वो नदी थी रेवा नदी, रेवा का शायद एक नाम नर्मदा भी है। तो वहाँ रेवा नदी के किनारे अब मैं जो ही अपने पानी वानी पिया नदी का, घोड़े से उतरा और नींद मेरी आंखों में भरी हुई और मैं अब सोऊं तो कैसे सोऊं, कोई जानवर ही ना, जंगली जानवर ही आके मेरे को खा ना जाए। लेकिन जब नींद आती है तो फिर कुछ होश नहीं रहती, आदमी ड्राइव करते करते भी सो जाता है। तो इतने में कीर्तन की ध्वनि आई कहीं से और एक वो जो साधुओं का समूह था कीर्तन करते हुए वो उस स्थान से निकल रहा था। उन्होंने वहीं पे ही अपना पंडाल बनाया, वहीं पे ही अपनी आग वगैरह जलाई और खूब बढ़िया उन्होंने प्रसाद बनाया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हमारी मधु दीदी और कुछ अन्य उनके अनुगतजन श्रीमद् भागवतम गुरुदेव के चरण गुरुदेव को अर्पण करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये लोग उपस्थित हुए हैं और कुछ इस विषय में कहना चाहेंगी मधु दीदी, तो उनका स्वागत है। पहले बोल लो, पहले उनका प्रसंग पूरा हो जाए, दो मिनट आ जाओ। तो ताली बजा दो। गुरुदेव और चंद्र है राधी भाई चला रहे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दस भक्ताय नमो नमः। आज बहुत सौभाग्य की बात है, मध्य गुरु पाद पादु नित्य लीला प्रविष्ट ओम की धनी स्वामी भक्ति वेदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के आशीर्वाद से उनकी ज्वलंत इच्छा पूर्ण हो रही है। श्रीमद् भागवत का प्रथम से चतुर्थ स्कंद तक गुरुदेव के समक्ष प्रकाशित हो चुका था, क्योंकि गुरुदेव अपने जब यहाँ से नित्य लीला में जाने की कोशिश जाने की तैयारी में थे, लेकिन उनको लगा था कि अभी बहुत से ऐसे काम करने हैं जिनके किए बिना मैं जा नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव दिन रात श्रीमद् भागवत का जो अनुवाद मैंने किया था उसके संशोधन में लगे थे और वो ये देना चाहते थे कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो भागवत है उसके विचार सोहमवाद और शांकर मत से प्रभावित हैं, तो इससे व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता, उसको समझना होगा। तो इसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के विचारों के आधार पर इस श्लोकों के अनुवाद किए गए हैं। इसकी जितनी भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो विचार हैं, उसी से ही मात्र 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 उनसे ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो गुरुदेव की कृपा से यह काम संभव हो सका। और गुरुदेव के विषय में मैं एक बार जरूर यह कहना चाहूंगी कि मुझे बंगला नहीं आती थी। जब गुरुदेव ने मुझे ग्रंथ का काम करने को दिया तो मैंने गुरुदेव को कहा कि मुझे बंगला कहाँ आती है। गुरुदेव बोले, अब तक कहाँ से सीखा है? मैंने कहा, सब आपकी कृपा से सीखा है। तो नारायण गोस्वामी महाराज ऐसे पारसमणि हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं, मूगम करोति वाचालम पंगु लंगयते। जो गूंगा है वो बोल सकता है और जो पंगु है वो पर्वत टांग सकता है। तो उन्होंने इसी जीव पर, जिसको वेदांत में आचरण सिद्ध कहा है, शायद मैं कितने ही जन्मों से उनके चरणों में पड़ी थी कि उन्होंने मुझको कृपा करके भागवत के अंदर जो कुछ भी अनुवाद हुआ है मैं उस सिद्धांत को समझने का प्रयास कर सकी। और दो बात मैं जरूर बताऊंगी। बम्बई में हिंदुजा हॉस्पिटल में गुरुदेव का कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मेरे कलुषित मन में एक दुर्भावना आ गई कि गुरुदेव को कुछ हो गया तो वहाँ पे काफी लोग खड़े थे। मेरे मन में था, गुरुदेव उठे और बोले, खबरदार, गुरु कभी मरता नहीं है। तो आज ये जो कुछ भी काम हुआ है ये उस चीज को प्रमाणित करता है कि गुरु वर्ग कभी मरता नहीं है, वो अमर्त रूप से हमारे साथ हमेशा है। गुरु रूप में भी है, मंजरी रूप में भी है और पुरुष रूप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा में निष्ठ है। दूसरी बात, जब वो मुझे वेदांत का काम दे रहे थे 2007 में, मेरे अंदर फिर से दुर्भाव आया कि इतना कठिन है, इतना बड़ा है और गुरुजी जब तक नहीं रहे तो मैंने मन में ही सोचा था, वो गुरुदेव बोले, खबरदार, मैं 2-3 साल हूँ यहाँ पर। तो आप जो सब गुरुदेव के भक्त हैं उनकी अपार महिमा को समझने का प्रयास भी हम उनकी कृपा से ही कर सकते हैं। जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपना तेज स्थापित कर गए, इसी तरह से इस अनुवाद के काम में गुरुदेव अपनी कृपा अर्पित करके गए हैं। इसलिए इस ग्रंथ को हम अपने शिरोधार्य करेंगे और अपने प्राण लगाकर इस ग्रंथ को हम अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ भागवत शब्दगम्य नहीं है, भागवत विद्वानों का ग्रंथ नहीं है, भागवत अर्थगम्य भी नहीं है, भागवत कृपागम्य है। तो आइए हम सब मिलकर नारायण गोस्वामी महाराज से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा मिले और इस ग्रंथ में हमारा प्रवेश हो। मांग शातर गुरु वर्षा कृपा की मधु दीदी की परसों सुन रहे थे। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए गुरु महाराज जी की कैसी अचिंत्य शक्ति है। हम लोग सुन रहे थे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता भक्ति इति पुंसार पिता भक्ति चैन नवलक्षण क्रियते भगवत तथा तन मन में अधिकतम उत्तमम। उसमें जो पुंसाम शब्द आया, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं सुनने की बात है और गुरु महाराज जी का अभी दीदी ने उसको स्पर्श भी कर दिया, बड़ा अचिंत्य प्रभाव है उनका। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं पुंसाम शब्द का अर्थ है जीव मात्र को ही, संपूर्ण स्त्री जाति को भी इस भगवत भक्ति में संपूर्ण रूप से अधिकार है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने भी इच्छा प्रकाशित की थी स्त्री जाति को संपूर्ण रूप में ये सुयोग देने की, किंतु काल क्रम से हो नहीं पाया। उन्होंने भी बहुत इच्छाएं प्रकाशित की हैं, लिखित में भी बहुत कुछ बताया उन्होंने और उन्होंने एक भूमिका भी बनाई कि कैसे इस स्त्री जाति को वास्तव में उद्धार करना होगा। उन्होंने बताया किस प्रकार से ये स्त्री जाति जो है अग्रसर होगी। यदि इनकी पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक ये स्त्री जाति का, शिला प्रभुपाद जी के शब्द है, तब तक इनका वास्तव उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने बहुत इच्छा प्रकाशित की किंतु कालक्रम से हो नहीं सका।
हमने देखा गुरु महाराज जी की, हम क्या देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं गुरु महाराज जी की कैसी अचिंत्य शक्ति है। अभी दीदी जिस ग्रंथ को लेकर आई है, गुरु महाराज जी ने इसके विषय में बहुत सारी भावनाएं प्रकाशित की। गुरु जी कहते थे इस बात को कि श्रीमद् भागवत के श्लोकानुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से एक प्रकाशित है, हम सब जिसको बचपन से पढ़ते आए हैं, किंतु उसमें कुछ मायावाद का अंश है, कुछ नहीं बहुत कुछ मायावाद का अंश है। तो गुरु महाराज जी की बड़ी इच्छा थी एक श्लोकानुवाद गौड़ीय विचारधारा के अनुसार प्रकाशित हो। देखो ये केवल शरीर से ही कुछ है बात के महिला शरीर में होने से, वास्तव में जिनका जैसा अधिकार है, हम महाप्रभु जी की लीला में सुनते हैं जानवा ठाकुरानी और हेमलता ठाकुरानी, गंगा माता गोस्वामी, कितनी महियसी महिलाएं हुई हैं, ये गुरु महाराज जी का भी कैसा अचिंत्य प्रभाव है। दीदी ने वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया जो षड दर्शन में अन्यतम है, वेदांत सूत्र जिस पर बड़े बड़े भाष्यकारों ने टीकाएं लिखी है, ऐसे वेदांत सूत्र का इन्होंने अनुवाद किया। गुरु महाराज जी की कैसी अचिंत्य शक्ति। और अभी समस्त उपनिषद 11 जो उपनिषद है उनका ही अनुवाद कर रही है, श्रीमद् भागवत का इन्होंने श्लोकानुवाद को संपूर्ण किया और गुरु महाराज जी ने भी उस पर सब प्रकार से प्रूफ रीडिंग इत्यादि गुरु महाराज जी कर गए। कितना उन्होंने इस स्त्री जाति के लिए भी कितना उनका अवदान है, बहुत सारा ऐसा उनका विशेषत्व है जिसको अभी प्रकाशित होगा समय आने पर। हमारी उमा दीदी जी यहाँ पर बैठी है, ये काकभूषणी है, काकभूषणी, काकभूषणी समझते हैं, जानते हैं राम जी के सबसे प्राचीन भक्त, अभी हमारे पूरे संघ में ये सबसे प्राचीन भक्त है, परम गुरु जी के द्वारा लालित पालित संपूर्ण विश्व में घूमती है, अभी भी प्रचार करती है। कैसी गुरु जी के वह चिंतन शक्ति देख रहे हैं, कितने गुणों के वो पारखी थे, कितने गुणों को परखने वाले थे, जिसका जिस प्रकार की योग्यता, जिसका जिस प्रकार का अधिकार, उसको गुरु महाराज जी ने ग्रहण करके कितना उनको परमार्थ में बढ़ाया। हमारी श्याम रानी दीदी जीव तत्व पर उन्होंने अभी एक ग्रंथ प्रकाशित किया, कैसे कैसे जटिल विषयों पर कर रहे। हमारी वृंदा दीदी कितना मैनेजमेंट का वो सब व्यवस्था देखती है, ऐसी गुरु जी की हम अचिंत्य शक्ति देख रहे हैं। और कितनी हमारी गुरु बहने हैं जिनका नाम लेना भी, नाम लेने जाएंगे तो बड़ा समय चला जाएगा, संपूर्ण विश्व में गुड्डी दीदी है और भागवत कथा करती है हमारी रागलेखा दीदी है, सविता दीदी है, कितने सारे लोग संपूर्ण विश्व में ये घूम करके गुरु जी की वाणी का प्रचार करते हैं। कितनी योग्यता गुरु महाराज जी के इन सब आश्रित जनों से गुरु जी की अचिंत्य शक्ति को हम लोग दर्शन करते हैं, इसलिए गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है कि कितना सुंदर परिवेश और संघ गुरु महाराज जी ने, जिसको कहते हैं ना समान अधिकार, जिसको कहा जाता है समान अधिकार, जिसके लिए बड़े बड़े कैंपेन चल रहे हैं आज संपूर्ण विश्व में, किंतु उसका शुभारंभ कहाँ से होगा, परमार्थ से होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जब तक मानव जाति की पारमार्थिक प्रगति नहीं होगी तब तक उनकी जागतिक प्रगति भी असंभव है, ये गुरु महाराज जी की अचिंत्य शक्ति। देखिए आज एकादशी का दिन है, कितना शुभ दिवस है, आज श्रीमद् भागवत का अनावरण हो रहा है, अभी हमारे प्रभु जी का विषय चल रहा था, गुरु महाराज जी के चरणों में जोर से ताली मार करके एक बार हम लोग अभी संजय प्रभु ने जो कहा एक बात स्मरण हो आई, ब्रजमंडल परिक्रमा में गुरु जी बरसाना में रहते थे, परिक्रमा का पड़ाव मोदी भवन में होता था, बहुत वर्ष पुरानी बात। और एक बार गुरुजी को ये शिकायत आई कि भक्त लोग सेवा नहीं करते, और गुरुजी के जब कथा में जब बैठते तो उस दिन उनके तेवर कुछ और ही थे, और गुरुजी बोलने लगे देखो मैंने ब्रजमंडल परिक्रमा बुलाई, कितने सारे जमाई राजा यहाँ पर आए, ये सारे जमाई हैं। और फिर जो आगे बैठे थे कुछ नवदीप के ब्रह्मचारी सन्यासी, तुम भी कोथाकार जमाई, तुम कहाँ के जमाई हो बताओ, तुम कहाँ का जमाई है बताओ। और फिर गुरुजी बड़े डांट कर कहने लगे हर एक भक्त को जो दीक्षित है, विशेष करके जो दीक्षित है उसको कोई एक दायित्व लेकर जीवन यापन करना है, बिना दायित्व के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये जीवन, गुरुजी बोले मनुष्य तो छोड़ो पशु जैसा है। श्रील भक्तिवेदांत महामृत गोस्वामी महाराज जी इस बात को बोलते थे कि पशुओं का कोई दायित्व नहीं होता, पशुओं की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही है। परंतु वैष्णव समाज में आए, महाप्रभु की धारा में आए, सभी आचार्यों ने व सभी भक्तों ने कोई ना कोई जीवन में एक ना एक कोई दायित्व लिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, वो भले कुछ भी क्यों ना हो, भले वो झाड़ू लगाने की क्यों ना हो, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं, बिना दायित्व के नहीं।
गुरु जी ने बड़े कठोरता इस बात को कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कैसी भी शरीर से, तन से, मन से, धन से, वाणी से जो योग्यता भगवान ने दी उस योग्यता के अनुसार ही माताएं रसोई बना सकती हैं, ब्रह्मचारी, जवान बच्चे लोग कीर्तन इत्यादि बहुत कुछ कार्य हैं, लेकिन आकर पूछना चाहिए हम क्या सेवा करें। हमारे जो महाराज लोग हैं इनसे आकर जिज्ञासा कर लीजिए, पूछना चाहिए बिना दायित्व के नहीं, दायित्व लेकर। क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, गुरु जी की बात ही दोहरा रहा हूँ। गुरु जी ने कहा दायित्व लेकर रहना है, बिना दायित्व के नहीं, वो जीवन पशु जैसा है। मैंने इतना सब कुछ लिया वो धारण कैसे होगा, सिर्फ घूमने से, धाम परिक्रमा करने से सेवा नहीं करोगे, सिर्फ बस पीछे से मुंह हिलाना, बस सिर्फ मुंह हिलाना, मुंह हिलाने से नहीं होगा। जब कोई दायित्व लोगे तो बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, उससे जुलसना पड़ेगा, उसमें उलझना पड़ेगा, रातों की नींद भी हराम होगी और बहुत सारा क्या होगा, क्रिटिसिज्म भी आएगा, बहुत सारे लांछना भी लगेंगी। ये तो उसी को लगेगी जो दायित्व लेगा, और जो नहीं लेगा तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये सोच कर कि दायित्व लेने पर मेरे को ये होगा, मैं नहीं लूंगा, ये हमारा गौड़िया गुरुवर्गों का विचार नहीं, ये विचार नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, कोई दायित्व अपने कंधे पर लेकर हमको आगे भक्ति में साधन करना है। और मठ मंदिर का निर्माण ये ऐसे ही है, इसका कोई महत्व नहीं है। प्रभुपाद जी ने फिर वाणी से ही प्रचार करते 64 मठ क्यों स्थापित किए, और क्यों फिर अपने आशीष जनों को भी आदेश दिया, क्यों फिर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को दिल्ली में भेजा कि मठ संचालन करो, क्यों अन्य अन्य आचार्यों को भेजा। एक एक गांव में, एक एक शहर में प्रभुपाद जी बोलते हर स्थान पर मठ निर्माण होना चाहिए। और अन्य अन्य बातें भी हैं कि मठ होता किसी लिए, वो फिर सूक्ष्म विचार और स्थूल विचार दोनों है। यहाँ पर तो ऐसे विचार है आप जो जाओ वो हो जाए। कोई एक भक्त आया पूछने के लिए, महाराज जी मैं विवाह करूं या ना करूं, बोलते तुम चाहते क्यों पहले ये बताओ। अगर बोलो विवाह करना है तो हमारे पास 10 पॉइंट है बोलने के लिए कि करना अच्छा है, अगर नहीं करने की इच्छा तो फिर और 15-20 है बोलने की नहीं करो, तुम चाहते क्यों पहले ये बताओ। गुरु जी 1999-2000 राग लेखा दीदी घर में गुरु जी आते थे, और पूनम दीदी के घर में भी आते थे, बहुत सारे भक्त लोग आते थे, आकर पूछते थे गुरु जी विवाह करूं कि नहीं करूं, बोलते फिर कर लो, करूं कि नहीं करूं तो फिर कर लो। जब इस सब बोलकर चले गए तो फिर बाद में कुछ भक्त लोग पूछते हैं आपने ऐसा क्यों कह दिया, बोलते यदि उसके मन में ये भाव है कि करूं या ना करूं, मतलब करने की इच्छा है, यदि ये भाव है कि नहीं करूं फिर तो पूछा क्यों, फिर पूछता क्यों है। तो इसलिए हर बात का एक सूक्ष्म विचार है, स्थूल दृष्टि से नहीं होगा, सूक्ष्म दृष्टि से होगा। हर एक बात में गुरु वर्गों का, आचार्यों की एक सूक्ष्म दृष्टि रही है हर कार्य में, जो हमारे जैसे ये स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझ पाते कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया, फिर वैसा क्यों किया, फिर वैसा क्यों किया। सूक्ष्म विचार तो चाहिए। इसलिए भक्त अपने पर इतना बड़ा दायित्व लेकर और फिर सारे भक्तों को दायित्व देकर, इसलिए ये एक महायज्ञ है, महाप्रभु जी का संकीर्तन का महायज्ञ, इसमें आहुति डालना है जिसकी जैसी योग्यता है। कोई कीर्तन करना जानता है, कोई कथा करना जानता है, कोई कुछ कर जानता है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन बिना दायित्व के इधर उधर घूमना उसको लेना पड़ेगा दायित्व गुरु सेवा के लिए। ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की ये रीति है, ये रीति है। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, मेरे को क्षमा करना, श्रील भक्ति विज्ञान भारती को सही महाराज से श्रवण किया, महाराज जी बोल रहे हैं मैं अपने जीवन में एक दिन मैंने शीशे के आगे अपना मुख देखा, मैं बूढ़ा हो गया। अच्छा
मैं बूढ़ा कैसे हो गया पता भी नहीं लगा। सारा जीवन क्या किया, और इसलिए कहते मेरे गुरुजी का नाम ही क्या था, भक्ति रही माधव गोस्वामी महाराज। सब समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रहते थे। आप सब भी, हम सब भी, आप सबकी आशीर्वाद करो कि हम भी उत्साहित होकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर गुरु जी की चरणों की सेवा कर पाए। और जो गुरु जी का उपदेश, तो इसने इतने सब बोल दिया कि मधु दीदी को भी गुरु जी ने ऐसे ही दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अभी समाधिस्थ हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, वो आज भी उस आदेश को पालन करती हुई आज गुरु जी के समक्ष वो भागवत जी का जो उनको आदेश था और ग्रंथों का आदेश वो आज भी कर रही हैं। मधु दीदी भी आज भी कर रही हैं, मधु दीदी भागवत प्रिंट कर रही हैं, मतलब अनुवाद कर रही हैं, और उमा दीदी उस भागवत का प्रचार कर रही हैं। यहाँ पर और एक छुपी हुई भक्त है, वो जो चुपचाप बैठी यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे, हमारे हालात में एक शशिकला दीदी है। देखो खड़े हो जाओ तो शशिकला, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो ये है, ये डच लैंग्वेज में यूरोप में खड़ी हो जाओ कुछ भी शशिकला, देखो सरोवर खड़ी नहीं हो रही। ये डच लैंग्वेज में गुरुदेव का भगवत गीता को उसने पूरा ट्रांसलेशन किया, केवल भगवत गीता नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव का जितने सारे ग्रंथों को, ये सोच रही है गुरुदेव के सारे ग्रंथों को ये प्रकाशित करने के लिए डच लैंग्वेज में। इतना आसानी नहीं, गुरुदेव का ग्रंथों को समझ करके उसको ट्रांसलेशन करना इतना आसानी है नहीं, बड़ी सिद्धांत। लेकिन ये जो जब खड़ी हुई है, आप सोच नहीं सकते, हमारे जितने सारे ब्रह्मचारी है ना और जितने सारे सन्यासी सब इनके घर में जा करके रुकते हैं। इनके भैया भी यहाँ पर कहीं बैठी हुई, भैया है यहाँ पर, इतने वो सेवा करती हैं, इतने सेवा करती हैं जो सोच नहीं सकती हैं। अभी वो कोशिश कर रही है यूरोप में बहुत बड़ा एक मंदिर बनाएंगे, अंदर मंदिर बना करके गुरुदेव का जो सेंटर नियर है उसमें सारे भक्तों को बुला करके, उनकी इच्छा है सारे भक्तों को बुला करके वहाँ पर, और उनकी टिकट का पैसा भरेंगे, टिकट का पैसा भर करके सारे भक्तों को बुलाएंगे, और बहुत बड़े रूम में जितने सारे गुरुदेव का पुराने पुराने शिष्य हैं उनको बुला करके गुरुदेव के सेंटर बियर करेंगे। इसलिए हमारे गुरु जी का जो भक्त लोग है ना वो साधारण नहीं। इसलिए एक वैष्णव कह रहे थे गुरु जी का नाम क्या है, हमारे गुरु जी का नाम क्या है, इसलिए भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज। हमारे एक भक्त उसका एक्सप्लेन कर रहे थे, अरे इनका नाम नारायण नाम क्यों है, तो जब उन्होंने जन्म हुए उनका नाम भी था नारायण, लेकिन जब भक्ति में आए जब गुरु जी से दीक्षा लिया इनका नाम भी था, क्या नाम था, गौर नारायण। लेकिन जब उन्होंने संन्यास लिया फिर नाम क्या हुआ, जोर से बोलो नारायण। कहते इनका नाम नारायण 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 शब्द क्यों रखा है, बोले इनके नाम के अंदर में इनका सारे गुण भी अभिव्यक्त है। वो संत व्याख्या कर रहे थे, बोले नारायण का मतलब क्या है, एक अर्थ है नर मतलब होता है जितने इंसान, और अयन मतलब होता है आश्रय, जो सभी को जो अपना चरण में आश्रय दिया है, इसलिए इनका नाम श्री नारायण है। सचमुच से हमारे गुरु जी के अंदर में ये सारे चीज गुरु जी के अंदर में दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोग जैसे श्री जीव गोस्वामी ने क्या किया, जैसे नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, ये इनका कोई शिष्य नहीं थे, इनका शिष्य नहीं थे, ये सब दूसरे दूसरे का शिष्य थे, लेकिन शिष्य होने पर भी लेकिन हमारे महाराज ने क्या किया, हमारे ये जीव गोस्वामी ने सबको उन्होंने शिक्षा प्रदान की, और शिक्षा दे करके उन्होंने तीन दिशा में भेजा। नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा कहाँ पर भेजा नरोत्तम दास ठाकुर को, मणिपुर में। श्रीनिवास आचार्य को भेजा उन्हें बंगाल में, और श्यामानंद आचार्य को भेजा उड़ीसा में। ये तीनों शिष्यों ने सर्वत्र उन्होंने ये भक्ति को प्रचार किया। उसी तरह हमारे गुरुदेव भी हैं, हमारे गुरुपाद पद्म भी देखो उन्होंने भी शिष्य बनाए हैं। जैसे श्री जीव गोस्वामी उन्होंने अक्सर करके इसी जगत में जो लड़ाई होता है ना, जानते हो क्यों लड़ाई होता है शिष्यों को लेकर, ये मेरे शिष्य, ये मेरे शिष्य, ये मेरे शिष्य, ये मेरे शिष्य,
शिष्यों को लेकर के और अपना शिष्यों को लेकर घूमते हैं और दूसरे बने अपना शिष्यों को लेकर साथ साथ में घूमते हैं। लेकिन हमारे महाराज जी का धर्म ऐसे नहीं था। देखो हमारे सिद्धार्थ महाराज जी का किसका शिष्य है? भक्ति परमंशील पूरी गोस्वामी महाराज। मैं किसका शिष्य हूँ? श्रील भक्ति श्रीरूप श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज का। ये महाराज का किसके शिष्य है? भक्ति वेदांत श्री भावन गोस्वामी महाराज का है। इसलिए श्री हमारे श्री वैखानस महाराज पद्मनाभ महाराज किसका शिष्य है? भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज का। मुनि महाराज आश्रम महाराज किसका शिष्य थे? कहते श्री गौरव गोविंद महाराज का। लेकिन हमारे गुरु जी के अंदर में है इनके अंदर में जो महाभागवत का है, इसलिए जो महाभागवत का लक्षण है, महाभागवत का क्या लक्षण है? वो शरीर नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं उनको दर्शन करते हैं। कहते अयम नीच पर वेति गणना लघु चतसा। कहते जिनका हृदय छोटा है ना वही मेरे और तेरे को लेकर बात करते हैं। लेकिन उदार चरित्र मनान तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जिसका हृदय उदार होता है वो विश्व ब्रह्मांड को एक परिवार रूप में दर्शन करता है, एक परिवार। इसलिए हमारे गुरु जी के अंदर में इनके पास में इतने सारे शिष्य क्यों आए? सबके सब अलग अलग शिष्य क्यों आए? इसलिए हम लोगों ने ये चीज अनुभूत किया है। किसने कभी बोल दिया था अरे ये तो भक्ति प्रमोद गुरु गोस्वामी महाराज के शिष्य है, इसको सुन करके गुरुदेव इतने बिगड़ गए, दूसरे मठ से आए, गुरुदेव ने उसको थप्पड़ मारे, बोले दूसरे मठ से आए हैं क्यों? सबके सब गुरु जी को साथ में क्यों? ये विश्व ब्रह्मांड जुड़ गया क्यों? कारण ये है उन्होंने अपना पराया कोई विचार नहीं किया। वो देखते थे, हम लोगों ने ये चीज अनुभूत किया है, वो देखते थे जिसको अंदर में जितने भक्ति के प्रति जितना निष्ठा है उसको उतना प्रेम करते थे। अपना शिष्य हो अब वो देखना पता नहीं, लेकिन उनका शिष्य में बड़े धुरंधर शिष्य भी थे उनकी। लेकिन गुरुदेव ने उन लोगों ने कुछ शिकायत किया तो गुरुदेव ने बोले नहीं मैं तो ये चीज को देखूंगा बड़ी कितना उसने सेवा की है, अपना बड़ी कितना सेवा की है, वो चीज को उन्होंने लिया है। इसलिए इनका नाम क्या है? एक नाम हो गया नारायण। नारायण मतलब नर मतलब होता है इंसान, अयन मतलब होता है आश्रय। सबको जिन्होंने अपना चरण में आश्रय दिया इसलिए इनका नाम क्या है? नारायण। दूसरा अर्थ कहते हैं नारायण मतलब नर मतलब होता है ज्ञान और अयन मतलब होता है आश्रय। तो सारे ज्ञान का जो आश्रय है, जब मेरे मन में इच्छा हुई, मेरे बचपन से एक स्वभाव था थोड़ा मैं हरी कथा सीखूं, थोड़ा हरी कथा सीखूं। मैं सोचता था कोई है कोई क्या जो कि ऐसे हरी कथा, हमारे गुरुदेव चले गए, मैं सोचता था कोई है ऐसे कोई को हरी कथा सिखाने वाले। मैंने सुना एक मथुरा में श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जो बच्चों को, जिन लोगों ने देखा उन्होंने देखा है, बच्चों को जो उत्साहित करके हैं, उत्साहित करके श्लोक देना, खड़े करके बुलवाना, नहीं बोलने पाते बड़ी शासन करना, उनको उत्साहित करना। मैंने सुना एक मथुरा में नारायण गोस्वामी महाराज है जो सभी बच्चों को हरी कथा सिखाते हैं। और ये सुन करके मैंने जब आया है ना देखा सचमुच से मथुरा में कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो रस की जो धार है वहां पर ऐसे प्रभाव हो रहा था, ऐसे प्रभाव हो रहा था, मैं तो देख करके अक्के बक्के चके हो गई। हमने किसी गौरी मठ में देखा एक बार पार होता है, लेकिन मैंने देखा जो प्रभुपाद का भक्ति प्रज्ञान केशव सनातन उसको तिथि होता था, गुरुदेव चार चार बार बैठते थे, चार चार बार। जो लोग थे उनको पता, एक बार सवेरे 10 बजे बैठेंगे, 12 बजे तक कथा करेंगे, एक बार फिर शाम को बैठेंगे, कितना फिर बैठेंगे सुबह मंगला आरती बाद में, फिर शाम को फिर 4 से लेकर के बैठेंगे 5 बजे तक, 6 बजे तक। उसको बाद में जो आरती हो जाएगी ना संध्या आरती, फिर उसको बाद में फिर गुरुदेव बैठेंगे करके 9 बजे तक वहां पर भी बैठेंगे। और जो बोलना नहीं चाहने पर भी, मैं जब सबसे पहला आया गुरुदेव ने कहा रसानंद तुम बोलो थोड़ा, बोले मैं गुरुदेव में बोल नहीं सकता, मैं तो उस समय उम्र भी कम था, छोटा था, हिंदी बोलना आता नहीं, बोले गुरुदेव में बोल नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा जानते हो बोलना मतलब होता है उनके चरण में एक पुष्प प्रदान करना, ये पानी रूपी पुष्प उनके चरण में प्रदान करना, इसलिए खड़े हो बोलो, कोशिश करो बोलने के लिए। गुरुदेव ने ऐसे उत्साह दे दे कर गुरुदेव ने तभी इतने, हम दूसरे गौड़ीय मठ में जाओ जैसे रूप गोस्वामी का तिथि करते हैं ना, हमको एक भी एक गौड़ीय मठ से एक भत्ता मिलना कठिन होता है,
मैं बहुत कोशिश करता हूँ गौड़ीय मठ से जो अच्छे वक्ता बुलाए, नहीं मिलता है, एक आध कोई मिलते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी की कृपा देखो एक से एक धुरंधर, उनको चांद से नहीं मिलता है। रामचंद्र एक अच्छी बात बोलते थे, माइक क्या करता है, माइक को माइक ढूंढता है लोगों को, भक्तों कौन भक्ता होंगे, लेकिन हमारे गौड़ीय मठ में है ये भक्ता ढूंढता है माइक को, माइक ढूंढता है, भाई की चिंता है, कितने एक एक उनका सन्यासी, सन्यासी की बात छोड़ दो, सन्यासी आप तो जानते हो लोगों, सन्यासी की बात छोड़ दो, जो बगैर सन्यासी के हैं, हैं, जो ब्रह्मचारी क्या बोलते हैं कि देखो प्रभु जी को देखो, जब हरि कथा बोलने का तो धुआं बने इतने प्रभु जी, बंसी बदन प्रभु उत्तम प्रभु जी, हमारे जो ब्रह्मचारी लोग एक से एक है ब्रह्मचारी की बात छोड़, रामचंद्र को देखो, संजीत प्रभु क्या संजय प्रभु को देखो क्या बोलते हैं, रोहिणी प्रभु बोलेंगे आप देखोगे, एक एक और महाराज बता रहे थे ना, इनकी बात छोड़ दो, इनकी बात छोड़ दो, गृहस्थ में जो रहने वाले हैं, एक एक दूरांतर गृहस्थ की बात छोड़ दो, अभी जो माताओं का बात बोल रहे थे उमा दीदी और हमारे से जो दीदिया दीदिया है क्या इसकी, इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव पारसमणि थे, जैसे पारस लोहे को जैसे स्पर्श कराओ लोहे को जैसे सोना बना देती हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव एक पारसमणि थे, केवल इनको पास में आकर के जब मैं सबसे पहले आया क्या चमत्कार चंद्र का प्रेम संपूर्ण, मैंने कहा भैया गुरु जी से बात आकर बोलते हैं, गौड़ीय मठ में जाओ ना केवल चैतन्य भागवत जैव धर्म कथा होती है और नहीं, लेकिन गुरुदेव के पास में जब आए चमत्कार चंद्र का जब कथा मैंने सुना प्रेम संपूर्ण, मैंने कहा इस बात जितने में कोई सुनी, हम लोग इतने सारे ग्रंथ में आप रुचि किए सुनी, गुरुदेव ने जो हमारे जो ग्रंथों को गुरुदेव ने जो प्रकाशित किया है जो माधुर्य कादम ने जो ग्रंथ जो रस ग्रंथों को प्रकाशित किया, केवल ये गुरु जी की ही कृपा है, ये गुरु जी की ही ये कृपा है सबके साथ, इसलिए इनका नाम है नारायण, नर मतलब होता है ज्ञान और अयन मतलब होता है आश्रय, नारायण का तीसरा अर्थ होता है नर मतलब होता है रस और अयन मतलब होता है सारे रस का जो आश्रय स्वरूप, इसलिए हमारे गुरुदेव विशेष करके हैं जितने अधिकांश जो रस ग्रंथ हैं किसी किसी गौड़ीय मठ में कहता नहीं इस रस ग्रंथ मना किया है पढ़ने के लिए, मना किया गुरुदेव बोलते तो भैया मेरे गुरुदेव तो मेरे को मना ही नहीं किया, गुरुदेव ने तो मेरे को उत्साहित दिया है, हैं ये ग्रंथ होने के ग्रंथ धीरे 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 किसने गुरुदेव ने कहा गुरुदेव कोई कोई ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, गुरुदेव ने कहा देखो अगर हम ये ग्रंथों को प्रकाश नहीं करेंगे फिर ये ग्रंथों को सहज जी या बाबा जी ये सब ग्रंथों को प्रकाश करेंगे सबके सब सत्यानाश कर देंगे, इसलिए हम लोग ये सब ग्रंथों को प्रकाश करने चाहिए, नहीं तो जगत में ये रस विचार महाप्रभु जो जगत में देने के लिए किए आए थे वो तो यही देने के लिए महाप्रभु आए थे, इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले तो अपना लक्ष्य को ठीक रखो उसको बाद में फिर साधन करोगे, भले ही करोड़ों जन्म में क्यों प्राप्त नहीं हो एक जीवन में तो अपना लक्ष्य को ठीक कर दो, अपना लक्ष्य तो ठीक होना चाहिए, गुरुदेव कहते थे अगर लक्ष्य तुम्हारे ठीक नहीं होगा तुम्हारे साधन ही सबके सब गड़बड़, इसलिए गुरुदेव का जो हम लोगों का प्रति जो देन है ये अद्भुत देन है, इसलिए इनका नाम सब मिलकर युगाचार्य की उपाधि दिया है, कौन कौन किसने दिया युगाचार्य की उपाधि, साधारण व्यक्ति नहीं दिए, कहते सारे को सारे ब्रजवासी सबके सब बड़े बड़े विद्वान और ब्रजवासी जो पंडित लोग हैं ना, अरे वो क्या कहते हैं जगत गुरु कृष्णा और कृष्ण का गुरु कौन है, हम है जगत का गुरु कौन है, कृष्ण है और कृष्ण का गुरु कौन है, हम है कृष्ण का गुरु, इसलिए ब्रजवासी लोग इसको ठा नहीं देते सबको उड़ा देते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी लोग गुरुदेव का प्रति जो ये जो दिया ये आप साधारण मत समझो है, ये ब्रजवासियों ने नंदगांव श्री मथुरा और श्री बरसाना ये सब मिल करके उसी समय में गुरुदेव कहाँ दिल्ली गए, हाँ दिल्ली गए, हाँ धर्म संसद भी सब हुई है उस समय हम लोग थे, इसलिए इतनी आसानी बात नहीं गुरुदेव को युगाचार्य का उपाधि देना ये बहुत बड़ी चीज गुरुदेव के लिए, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि इसी परंपरा में कम से कम महाराज का लाइन में और राधा रानी स्वयं तो कहती है, राधा रानी क्या कहती है, राधा रानी स्वयं स्वप्न दीप किसको
सेवा पूजे के पुजारी को, ये नारायण महाराज मेरी मंजरी मेरी सखी है, उनको लेकर के ये प्रसाद श्री नारायण महाराज को दो। राधा रानी स्वयं ये चीज को राधा रानी ने स्थापन करती है। इसलिए श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते कहते आचार्य अभिमान, आचार्य अभिमान मतलब क्या है? अगर तुम्हारे अंदर में इतना केवल अभिमान हो जाए, तुम कौन हो? बोले हम श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य है, महापुरुष का। बोले उनको गुरु कौन है? बोले भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज। बोले उनको गुरु कौन है? बोले भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अगर तुम्हारी मोदी, अगर तुम्हारी कोई संबंध लगता है ना, कहीं अगर कहीं गई बोल रहे भाई मोदी हम ओके हमको लगता है, हमारे ये लगता है, देखना बड़े से बड़े काम हो जाता है। इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं अगर तुम्हारी अंदर में इतना अगर अभिमान आ जाए, हम साधारण नहीं, हम किसकी परंपरा? श्री प्रभुपाद के लाइनी है, महाप्रभु का धारा में अगर कहते अगर इतना अभिमान हो गया ना, बस यही काफी तुम्हारे जीवन में। इसी से ही तुम ये भवसागर से तुम इसी से ही तुम्हारी पार हो जाओगे, हैं? इसी से ही पार हो जाओगे। इसलिए प्रभुपाद का कोई शिष्य था, पहले तो हरिनाम ग्रहण किया दिखा, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, शादी जब कर लिया, शादी किया तो उसने फिर तो उन्होंने सारी भक्ति भक्ति छोड़ दिया, मांस मछली खाना शुरू कर दिया सबके सब। लेकिन जब किसी तरह से उसने प्राण छूटी उसकी, जब उसकी प्राण छूट गई, अभी उसको जमपुरी में ले गए, जब जमपुरी में ले गए, इतने में जम महाराज देख करके चिल्ला उठा, ले किसको लेकर के आए हो, तुम्हें पता है ये कौन? ये श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का चरणाश्रय, इसको हम दंड नहीं दे सकते, जाओ उसको तुम वापस भेज करके आओ, वापस भेज करके आओ। इसलिए उसको तो अभी शरीर तो छूट गया, अभी तो उसको जलाने के लिए ले जाने के लिए उसको बांध रहे थे, इतने में बीच में जग गया उसने, जग करके बोलता है मेरी माला कहाँ है, मेरी माला कहाँ है, मेरी माला। बोले भैया अभी क्या हो गया, ये तो मरा हुआ था, जग गया कैसे? फिर उसने कहा मेरे को कहाँ एक लोक में लेकर गए थे, जब महाराज चिल्ला पड़े, बोले ये प्रभुपाद का आश्रित है, इसको हम दंड नहीं दे सकते, उसको वापस भेज करके आओ। इसलिए मेरे को यहाँ पर वापस भेजे, बहुत दिन से माला भरा नहीं किया। फिर उन्होंने बोले माला कहाँ है, फिर स्वप्न दिया प्रभुपाद, फिर तुम भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज से मंत्र बुला लो, फिर भजन करो। देखो ये महापुरुषों का चरण आश्रय ग्रहण करने से अगर जमपुरी में जम दूध ले जाए ना, वहां से भी उनको वापस लौट जाना पड़ता है, वापस आ जाते हैं। ये आचार्य अभिमान और शुद्ध परंपरा की कितने महिमा, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो प्रभुपाद के और गुरु जी के हम लोग लाइन में आए। सबको खुजली हो रही है, खुलवाली माइक आ जाए, अभी एक अनाउंसमेंट है, बहुत जरूरी है करना, इसलिए सुंदर प्रभु जी आ गए, अमरीश प्रभु आप भी आ जाओ, लवंग लमंजे दीदी आप भी आ जाओ, सुंदर प्रभु है, सुंदर प्रभु यहाँ आ जाए, जहाँ सब आना चाहते हैं। अब माइक मेरे पास लौट कर वापस आएगा या नहीं आएगा? ब्रजमंडल परिक्रमा में गुरुजी ने कहा था भाई 5 बजे तक बसें वापस आ जानी चाहिए, और एक बार बसें वापस आई रात को 7:30 बजे, तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ? मैंने महाराज जी ये शंकर महाराज जी और बन महाराज जी ये बहुत विलम्ब करते हैं, लंबा लंबा बोलते हैं, बोले नहीं इनको कम बोलना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी जितनी देर में प्रवचन खत्म होना चाहिए उतनी देर में तो भूमिका खत्म होती है। महाराज जी बोले अच्छा फिर मैं बात करता हूँ। महाराज जी ने दोनों को बुलाया और तब से बसें थोड़े समय पर आनी शुरू हुई। हरे कृष्णा। अब एक बात मैं भी कह देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग सुन लेंगे। हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए बस इधर अपने मन को और कान को दे दीजिए। देखिए आज एक बहुत विशेष तिथि है, इस बात को हमको थोड़ा सा समझना है। आज एक बहुत विशेष तिथि है, आज श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का शुभ तिरोभाव है। ऊपर बैठ जाओ,
कृपा जी जो हमारे संप्रदाय के भक्ति प्रेम के जो प्रेम रूपी वृक्ष है उसके जो प्रथम अंकुर हैं उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। आज के दिन वो अप्रकट हुए। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, थोड़ा सा मेरी प्रार्थना है बार बार समझना इस विषय को, गुरु महाराज जी क्या दे करके गए हमको, क्या प्रयास हमको उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। आज अनायास रूप में ही श्रीमद् भागवत प्रकट हो गई, इतनी विशेष स्थिति है। गुरु महाराज जी के शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में आज बहुत सुंदर सुंदर निर्णय हो गए। हम एक बात बताना चाहते हैं, जैसे सबको कहने की इच्छा है, स्वाभाविक है, गुरु जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। हम तो एक उदाहरण देते हैं कि गुरु महाराज जी एक समुद्र के समान है और सबने अपने अपने पात्र भर रखे उस समुद्र से और सभी आगे क्या कर रहे हैं, सिंचन कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी तो एक अथाह समुद्र के समान है। हम कहना चाह रहे थे आज श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की तिरुभाव तिथि है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बड़े भाव भीने शब्दों में श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का चरित्र कहा है। उन्होंने एक स्थान पर इस बात को कहा, कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार प्रथमे करेन गुरु वर्गेन संचार। जब कृष्ण की पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने की इच्छा होती है तो वो अपने गुरुवर्गों को, माता पिता गुरुवर्गों को पहले भेज देते हैं, जिसको भूमिका भी कह सकते हैं आप। इसी क्रम में श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, माधव ईश्वरपुरी शची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट होइला सही साथ। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी, श्री ईश्वरपुरी पाद जी, अद्वैत आचार्य जी, हरिदास ठाकुर जी, श्रीवास पंडित जी, ये सब महाप्रभु जी से पहले प्रकट हो गए। हमको श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का चरित्र क्यों सुनना है, विरह तिथि का क्या तात्पर्य है? गुरु महाराज जी वर्ष 1993 में इस कौन में गए वृंदावन में, उनको निमंत्रण मिला श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की तिरोभाव तिथि पर। गुरु महाराज जी ने अपनी हरि कथा में बड़ी मूल्यवान, बड़ी अमूल्य बात उन्होंने कही। गुरु जी कहते हैं विरह तिथि का तात्पर्य क्या है? विरह तिथि का तात्पर्य है कि जिनकी विरह तिथि मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं उनके आचार विचार में प्रतिष्ठित होना। वास्तव विरह तिथि किसको कहते हैं? जिनकी विरह तिथि मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए उनके आचार विचार में प्रतिष्ठित, और गुरु जी कुछ क्षण रुक के कहते हैं सुप्रतिष्ठित होना, ये वास्तव विरह तिथि मनाना है। श्रीला प्रभुपाद जी इस विरह तिथि को, गुरुवर्गों की विरह तिथि को ब्रजे जाइबार तिथि, ब्रज में जाने की तिथि बताया करते थे। ये विरह तिथि क्या है? ब्रज में जाने की तिथि। प्रभुपाद जी कहते थे हम साधक हैं, साधन कर रहे हैं, इन विधेय तिथियों का अनुष्ठान करके, श्रवण कीर्तन करके हमारी जो ब्रज में जाने की यात्रा है हम उसमें गतिशीलता को प्राप्त करते हैं। हमारी जो ब्रज में जाने की यात्रा है वो और तीव्र गति से संपन्न होती है। इतना इस विधेय तिथि का महात्म्य है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी का चरित्र अद्भुत है। उन्होंने अपनी अप्रकट लीला के समय एक श्लोक उच्चारण किया जिसको हम लोग सुनते हैं, सुनना बात को बड़े ध्यान से। और गुरु महाराज जी ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित करने से पूर्व हम लोगों को समस्त शास्त्रों का जो सार स्वरूप शिक्षा है उसको उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से कैसे बड़े सरल रूप में प्रकाशित कर दिया, इस बात को हमको समझना है। यदि इसके गुरुत्व को हम नहीं समझेंगे, गुरु जी के साथ में संबंध होना बड़ा कठिन है। संबंध हो भी जाएगा औपचारिक संबंध रह जाएगा, वास्तव संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से हमको समझना है। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपनी अप्रकट लीला के अंतिम समय में एक श्लोक कहा, हम सब सुनते हैं। अरे दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय त्वद लोक कातरम दैतम भ्राम्यति किम करोम्य हम। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी श्रीमती विरहिणी श्रीमती राधिका के भावों में, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी विरहिणी श्रीमती राधिका के भावों में कृष्ण मथुरा में चले गए तो उनको उल्हाना दे रही है राधा जी, अब तो आप मथुरा के नाथ हो गए हो, अब तो आप मथुरा के नाथ हो गए हो, क्या कभी मुझको पुनः दर्शन दोगे, क्या मुझको कभी पुनः दर्शन दोगे? मैं आपके दर्शन के अभाव में, आपके विरह में मेरी अवस्था हो रही है कि मैं किम करूं, मैं क्या करूं, मुझको सूझ नहीं रहा है। ये माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित करने से पहले ये श्लोक उच्चारण किया। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी पाद जी का जो प्रसंग है
उसके अमृत प्रभाव भाष्य में उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद जी के द्वारा उच्चारित इस श्लोक में श्रीमद महाप्रभु की समस्त शिक्षाएं जो हैं वो बीज के रूप में भरी पड़ी है। समझ में आई बात? एक श्लोक में संपूर्ण महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वो बीज के रूप में भरी पड़ी है। ये जो विरह की बात है इसको श्रीमद प्रभुपाद जी ने कहा है। क्या है ये महाप्रभु जी की शिक्षा? महाप्रभु जी जगत में किस वस्तु को देने के लिए आए? क्या देने के लिए महाप्रभु जी जगत में आए? ये विरह का भाव। श्रीमद प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में, जहाँ मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सूत्र के रूप में महाप्रभु जी की विरहमय लीलाओं का जहाँ उन्होंने वर्णन किया, उसके अनुभाष्य में श्री सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 12 वर्षों तक गंभीरा में रहकर के श्रीमती राधिका के जिन भावों का आस्वादन किया उनका अनुसरण करना ही हमारा वास्तव साधन है। समझ में आ रही है बात? कितनी ऊंची बात, कितनी गंभीर बात। महाप्रभु जी जिन विरहमय भावों का आस्वादन कर रहे हैं उन विरहमय भावों का अनुसरण करना ये क्या है? ये हमारा वास्तव साधन है। तो हमारा साधन हो रहा है कि नहीं, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कितना गुरुपाद पद्म से विरह हो रहा है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का तो अद्भुत चरित्र है। उनके विषय में वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा, माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर। वो साक्षात क्या है? प्रेममय कलेवर है और प्रेममय जतोतार संग अनुचर। जितने उनके पार्षद है वो सब क्या है? वो प्रेममय ही है। संपूर्ण रूप में माधवेंद्र पुरीपाद जी का चरित्र जो है वो क्या है? प्रेममय कलेवर। और एक बड़ी विशेष बात वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं, वो कहते हैं कृष्ण रस बिना किछु नाही आहार। माधवेंद्र पुरीपाद जी अयाचक वृत्ति से रहते थे, कुछ मांगते नहीं थे, यदि कोई कुछ अर्पण कर दे तो ले लेते थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के अनुभाष्य में, इस प्यार के अनुभाष्य में, कि माधवेंद्र पुरीपाद जी का क्या आहार है? वो केवल कृष्ण रस का पान करते हैं। ऐसे रसमय माधवेंद्र पुरीपाद जी की आज तिरुभाव तिथि है। देखिए एक और बात, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। प्रभुपाद जी ने एक वैष्णव के नाम का कीर्तन लिखा कि वैष्णव किसको कहते हैं। इन सब बातों को क्यों सुनना है हम अंत में बतला देंगे। एक छोटी सी बात जिसको हमको बड़ा गुरुत्व देना अपने हृदय में, कि गुरु महाराज जी जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जी अपने प्रकट लीला में संपत्ति छोड़ गए, गुरु महाराज जी भी अपनी अप्रकट लीला आविष्कार करने से पूर्व एक संपत्ति छोड़ गए, किंतु उस संपत्ति का कितने लोगों ने अनुसंधान किया, कितने लोग ढूंढ रहे हैं गुरु जी की संपत्ति को, वो प्रश्न चिन्ह है। उसी पर शिष्य की शिष्यता निर्भर करती है कि हम कितने परिमाण में गुरु जी की वास्तव संपत्ति को लक्ष्य कर रहे हैं, हम कितने परिमाण में गुरु जी के वास्तव आदर्श को हम अनुसरण कर पा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं उनके वास्तव, उनका जो वास्तव आदर्श है उसके कितने परिमाण में पीछे भाग रहे हैं, उतने परिमाण में हम शिष्य कहलाएंगे। ये गुरु महाराज जी अपने मुख से इस बात को कह रहे हैं। परम गुरु जी कहते हैं यदि शिष्य ने गुरु के हृदय में ही प्रवेश नहीं किया, शिष्य का शिष्य तो कहां है? यदि गुरु के हृदय को ही नहीं जान सका शिष्य है, शिष्य का शिष्य तो कहां है? तो शिष्य का शिष्य तो किस विचार से है? उसने गुरु के हृदय में कितने परिमाण में प्रवेश किया, जैसे रूप गोस्वामी जी ने प्रवेश किया श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में, और महाप्रभु जी के हृदय को समस्त जगत जीवों के सामने उन्होंने प्रकाशित कर दिया। अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण करो, ये किसने प्रकाशित किया? श्री रूप गोस्वामी पाद ने। क्यों? महाप्रभु जी ने उनको चुना, उनको अनुमति दी। गुरु महाराज जी कहते थे अनुमति दी महाप्रभु जी ने, इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी के विषय में क्या कहा जाता है? प्रिय स्वरूप, दैत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सहजाभिरूप। क्यों? सहज रूप में अनुगमन कर सकते हैं, उनको महाप्रभु जी ने अनुमति दी, तुम मेरे हृदय में प्रवेश करो। तो गुरु परम गुरु जी कहते हैं यदि शिष्य ने गुरु के हृदय में ही प्रवेश नहीं किया, उसका शिष्य तो कहाँ है? उसका शिष्य तो किस बात पर आधारित है? गुरु के हृदय के विचारों में शिष्य का कितना प्रवेश। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को गोपाल जी ने आदेश दिया। प्रभुपाद जी क्या अद्भुत बात कहते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद जी को गोपाल जी ने आदेश दिया स्वप्न में। वो पहुंचे कहां पर? कहां पहुंचे? गोवर्धन में, गोविंद कुंड के तट पर। गोपाल जी ने स्वप्न में आदेश दिया, हम कुंज के भीतर में छुपे बैठे हैं, हमको बाहर में प्रकाशित करो, हमारी सेवा करो। समझना बात को, क्या अद्भुत बात है। माधवेंद्र पुरीपाद जी गए प्रातः काल दौड़कर गांव में और सबको बतला दिया, हमको स्वप्न दिया गोपाल जी ने कि हम कुंज में छुपे बैठे हैं, हमारी सेवा प्रकाशित करो। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं अपने स्वप्न की बात बतलाई माधवेंद्र पुरीपाद जी ने, बतलाई कि नहीं बतलाई?
किंतु वही माधवेंद्रपुरी पाद जी जब खीर चोरा गोपीनाथ जी में जाकर गोपीनाथ जी उनके लिए खीर चुराते हैं, पुजारी को स्वपन देते हैं कि मैंने माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुराई उनको दे दो, पुजारी जाकर के जब खीर देता है, माधवेंद्रपुरी पाद जी क्या मन में सोच रहे हैं, अरे ये तो मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो शिला प्रभुपाद जी कहते प्रतिष्ठा भय पूरी जान पालाई है, भाग गए प्रतिष्ठा के भय से। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जब स्वयं को स्वपन दिया, गोपाल जी ने जब स्वयं को स्वपन दिया माधवेंद्रपुरी पाद जी को हमारी सेवा प्रकाशित करो, तब भागे क्या? तब भागे माधवेंद्रपुरी पाद जी? नहीं भागे, अपने स्वपन की बात सबको बतलाई। उस समय में प्रतिष्ठा का भय नहीं था? उस समय में प्रतिष्ठा का भय नहीं था क्या? उस समय में कोई प्रतिष्ठा का भय नहीं है। शिला प्रभुपाद जी कहते यही माधवेंद्रपुरी भाव घरे चूरी ना करी दो कभू सदा ही जाना। ये वैष्णवी प्रतिष्ठा है, जब सेवा करने के लिए दायित्व आएगा संपूर्ण प्रतिष्ठा को स्वीकार करेंगे। गोपाल जी ने उनको चंदन लेने के लिए भेजा, स्वपन में फिर से आदेश दिया, फिर स्वपन की सबको, तब कोई प्रतिष्ठा का भय नहीं है। खीर चोरा गोपीनाथ जी में जब चंदन लेकर पहुंचे, गोपीनाथ जी ने पुनः स्वपन दिया, वो चंदन हमको दे दो, तब माधवेंद्रपुरी पाद जी ने स्वपन की बात बतलाई कि नहीं बतलाई? उस समय प्रतिष्ठा का भय नहीं था। कृष्ण सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए जितनी प्रतिष्ठा ग्रहण करनी पड़ेगी करेंगे, किंतु भावना निष्कपट होनी चाहिए। वो चरित्र में दिखलाई देगा, वो चरित्र में आदर्श में दिखलाई देगा। ऐसा अद्भुत माधवेंद्रपुरी पाद जी का चरित्र है। आज उनकी विरह तिथि है, वो अपने अप्रकट लीला के समय वो क्या छोड़ गए हैं? वो एक संपत्ति छोड़ गए हैं, वो एक विरहमय संपत्ति को छोड़ गए हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये माधवेंद्रपुरी पाद जी की संपत्ति है, उनके हृदय के गूढ़ भाव। अंतिम समय में उन्होंने जिस श्लोक को उच्चारण किया वो क्या है? शिला प्रभुपाद जी कहते हैं गौड़ीय जनों की आराधना। माधवेंद्रपुरी पाद जी क्या कहकर के क्रंदन करते थे? मथुरा ना पाई नो मुई बोली करे क्रंदन, मुझको मथुरा नहीं मिला, मुझको मथुरा नहीं मिला। ये विरह का जो भाव है ये हमारी साधन संपद है, प्रभुपाद जी कहते हैं। गुरु महाराज जी के चरित्र को कुछ सुन लीजिए। संपूर्ण जीवन उन्होंने मथुरा में जिस प्रकार साधन भजन का आदर्श दिखलाया, वो माधवेंद्रपुरी पाद जी का आदर्श था। अयाचक वृत्ति से वो रहते थे, बड़े दीनहीन भाव से, कितना साधारण उनका जीवन था। और सब समय यही शिक्षा दिया करते थे कि कृष्ण भजन ही क्या है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य। यदि आप उनके कथों, उनकी कथाओं को, उनके उपदेशों को सुनेंगे तो गुरु महाराज जी बड़े विशेष रूप से इस बात को कहते थे। हम लोग मठ मंदिर में किस लिए आए? परम गुरु जी का आदर्श था। मठ मंदिर में कोई भी जगत में परम गुरु जी कहते थे मेरे अनुराग विराग का पात्र नहीं है, सब गुरु सेवा कृष्ण सेवा के उपकरण मात्र हैं। श्री रामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे मठ मंदिर में यदि मेरा करके कुछ है, यदि मैं कोई दावा करूं कि मेरा क्या है मठ मंदिर में, एक ही वस्तु है, श्री रामन गोस्वामी महाराज जी कहते थे वो है हमारा निज भजन साधन, बाकी सब कुछ गुरु सेवा के, वैष्णव सेवा के उपकरण मात्र है। उस आदर्श को गुरु महाराज जी लेकर चलते थे सदा, अपने मस्तक पर धारण करके बड़ा साधारण जीवन जीते थे, बड़ा साधारण जीवन, और सबको कैसे भजन करने के लिए वो प्रेरणा देते थे, आदर्श में उनका चरित्र था। रूप रघुनाथ का उन्होंने जिस परिमाण में अनुसरण किया वो हमारे को जानने की वस्तु है, उपलब्धि करने की वस्तु है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव निपसूना कार्य ब्रजलोक अनुसार था, किसी नित्य सिद्ध ब्रजवासी का अनुसरण करेंगे, ये उन्होंने अपने चरित्र में करके दिखलाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अनुगत्य में उन्होंने गोवर्धन में रहकर अपनी गंभीर भजन लीला को प्रकाशित किया। प्रतिदिन परिक्रमा करते थे गुरु महाराज जी, कैसा उनका आदर्श में भजन था। अभी भी यदि सुनना है, हमारे श्री गिरधारी पंडा जी हैं, वो अपनी स्मृति बताते, हम छोटे से 5-7 वर्ष के अपने पिताजी के साथ में जाते थे, हमने उनसे सुना, पूछा आप बताइए गुरु जी कैसे भजन करते थे, उन्होंने बताई सारी बातें। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके गिरिराज जी की परिक्रमा करना, लाख लाख हरिनाम करना, रात दिन ग्रंथ अध्ययन करना और कुछ माधुकरी करके अपना जीवन यापन करना, कैसे महाप्रभु जी के रूप रघुनाथ गोस्वामी जी के अनुगत्य उन्होंने भजन लीला प्रकाशित की, ये तो उनका जीवन का बड़ा विस्तृत पक्ष है। किंतु जिस बात को मैं कहना चाह रहा था विस्तृत हो गई बात, अपनी अप्रकट लीला जब उन्होंने प्रकाशित की, सुनेंगे बात को, बड़ी भावभीनी बात है। वर्ष 2010 की बात है, श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी जैसे क्रंदन करते थे ना, मथुरा ना पाई नो मुई बोली करे क्रंदन, मुझको मथुरा नहीं मिला, मुझको मथुरा नहीं मिला। मथुरा अर्थात श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह के भावों में निमग्न होकर मथुरा को स्मरण कर रही है, कृष्ण चले गए हमको छोड़कर। ये विरहमय भजन हमारी साधन संपद है। गुरु महाराज जी अस्वस्थ हुए 2010 में, उन्होंने अपनी अस्वस्थ लीला प्रकाशित की। रूप गोस्वामी जी की तिथि पर वो अस्पताल में थे और जो लोग निकट में थे उन्होंने क्षण क्षण में इस बात को देखा। प्रतिदिन पूछते थे वो, प्रतिदिन गुरु महाराज जी प्रतिदिन पूछते थे
यह कब समाप्त होगी हमारी चिकित्सा? हमको ब्रज में जाना है, हमको रूप गोस्वामी जी की तिथि में जाना है। वो अस्पताल से लौट करके वापस आए, डॉक्टर ने उनको पथ्य बता दिया, 9 दिन के लिए प्रतिदिन एक इंजेक्शन देना है। 9 दिन तक उन्होंने जिस प्रकार की उनके जीवन में छटपटाहट दिखलाई दी, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा ना, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंद समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति स्तर गुणा ख्याने प्रीति स्तर वस्ती स्थल। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो है उनकी धाम के प्रति अद्भुत प्रीति होती है। ऋषिकेश में गए गुरु महाराज जी 2008 में और गंगा जी में प्रतिदिन उनको स्नान कराने ले जाते थे। एक दिन अस्वस्थ हो गए और सेवक लोग निषेध कर रहे हैं आपको गंगा जी में नहीं जाना। उन्होंने जिस प्रकार की छटपटाहट दिखलाई, जो लोग साथ में थे उन्होंने अनुभव किया, बार बार कह रहे थे बंगला में, अरे आमा के लिए चलो, आमा के लिए चलो, मुझको ले चलो गंगा में, मुझको ले चलो गंगा में। कैसी प्रीति थी। अस्पताल से लौट करके आए गुरु जी, 9 दिन की चिकित्सा बताई डॉक्टर ने, प्रतिदिन एक इंजेक्शन देना है, प्रतिदिन वो पूछते, प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो ये नहीं पूछते थे ये कब समाप्त होगा, हमको कहाँ जाना है, हमको मथुरा जाना है, जन्माष्टमी आ रही है हमको मथुरा जाना है, प्रतिदिन पूछा करते। क्यों? रूप गोस्वामी जी की तिथि तो बीत गई अस्पताल में, ऐसी उन्होंने लीला प्रकाशित की, प्रतिदिन पूछते कैसी तिथि हो रही है रूप गोस्वामी जी की, हमको जाना है, हमको जाना। बड़ी छटपटाहट, रात दिन छटपटाते, और जो निकट में रहते थे रात्रि के समय भी उठ करके वो पूछा करते थे, आज क्या तिथि है, आज क्या दिन है, ये कब समाप्त होगा, हमको मथुरा जाना है, हमको मथुरा जाना है। वो जा नहीं सके, 9 दिन बीत गए वो मथुरा नहीं जा सके। और जन्माष्टमी के दिन उनके मुख पर जैसे एक खिन्नता का भाव कि मैं मथुरा नहीं जा सका, मैं मथुरा नहीं जा सका, एक खिन्नता का भाव उनके मुखमंडल पर दिखाई दे रहा था। उन्होंने हरि कथा कही, जिन्होंने वो हरि कथा सुनी होगी वो अनुभव करेंगे, क्या उन्होंने अपनी हरि कथा में अपने मन के भाव बतलाए। मैं 60 वर्षों से मथुरा में जन्माष्टमी की तिथि मनाता आ रहा हूँ, किंतु इन बड़े बड़े डॉक्टरों ने हमको मथुरा में नहीं जाने दिया। इतना उन्होंने, जैसे महाप्रभु गए ना गोदावरी के तट पर, किंतु विजातीय लोग देखी प्रभु कई लो संवरण, बहुत सारे विजातीय लोग आ गए तो महाप्रभु जी ने अपने भाव को संवरण कर दिया। इसलिए गदगद कंठ से वो कह रहे थे मैं मथुरा नहीं जा सका, मैं मथुरा नहीं जा सका, मुझको मथुरा नहीं जाने दिया, मुझको मथुरा नहीं जाने दिया। जो सेवक लोग थे वो अपनी दिशा में उचित थे, गुरु जी के स्वास्थ्य की चिंता करके जैसा डॉक्टर लोग कह रहे हैं वैसा पालन करना पड़ा, किंतु उन्होंने जो क्रंदन किया उसको जिन्होंने अनुभव किया वो जान सकेंगे उनकी मनोदशा क्या थी। पूरा दिन नहीं सोए वो, रात्रि के समय में जो निकट में थे अभिषेक हो रहा था, अब क्या बतलाए उन भावों को, एक एक क्षण में वो पूछते थे, एक एक क्षण में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे अभिषेक हो रहा है, कौन अभिषेक कर रहा है, मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा मथुरा मथुरा। 3 दिन 4 दिन लगातार निरंतर वो मथुरा 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 स्मरण करते रहे, जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जी क्रंदन कर रहे ना, मथुरा ना पाई में हुई बोली करे क्रंदन, हमको मथुरा नहीं मिला, हमको मथुरा नहीं मिला। ये संपत्ति गुरु महाराज जी छोड़कर गए हैं, हमको इस संपत्ति का अनुसंधान करना है, उनके हृदय के भावों को हमको छूना है, पकड़ना है, उपलब्धि करनी है। यदि उसकी उपलब्धि नहीं हुई, हम शिष्य का शिष्य तो कहाँ है, उनके हृदय में हमको प्रवेश करना, कैसी दुर्लभ संपत्ति दे गए। बार बार इस बात को कहते थे, बार बार, मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया, मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया, मैंने तुमको बहुत उन्नत साधु संग दिया, बार बार कहते थे, एक एक व्यक्ति से इस बात को कहते थे। हम जो ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं, हम जो हरि कथा कह रहे हैं, उसको सुनो, उसको समझो, उसको सुनो, उसको समझो। ऐसी संपत्ति गुरु महाराज जी हमको दे करके गए हैं, बड़े सौभाग्यवान है हम मुख से तो इस बात को कहते हैं, अच्छी बात भी है, ये कहना भी होगा हमको, किंतु उस सौभाग्य को हम वर्ण कर सके, कब ऐसा दिन आएगा उस सौभाग्य को हम वर्ण कर सके, उनके चरणों में हमारी ये प्रार्थना हो। जब तक क्रंदन नहीं करेंगे वो क्यों अपना मौन तोड़ेंगे, वो तो यही है हमारे बीच में, किंतु उनका मौन नहीं टूट रहा है। कैसे टूटेगा उनका मौन जब हम क्रंदन करेंगे। मैया भी कभी कभी रूठ जाती है ना छोटे बालक से, टूटती है कि नहीं, किंतु जब बालक क्रंदन करता है तो मैया का मौन टूटता है, मैया भी मान धारण करती है। तो हम तो समझ रहे हैं ये गुरु जी का मान है, वो मान लेकर के मौन धारण करके बैठे, किंतु मौन कैसे टूटेगा। हम जब क्रंदन करेंगे, रोएंगे उनकी वास्तव संपत्ति के। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य की जगत जीवों के कल्याण के लिए गुरु का आत्म प्रकाश है, शिष्य के जगत के कल्याण के लिए गुरु आत्म प्रकाशित होते हैं, किंतु जब गुरु देखते हैं कि शिष्य कर्मी हो रहा है, अन्याभिलाषी हो रहा है, ज्ञानी हो रहा है, कनक कामनी प्रतिष्ठा पाना चाह रहा है, तो गुरु आत्म गोपन कर लेते हैं, छुप जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो हम कितने परिमाण में गुरु की वास्तव संपत्ति को लक्ष्य कर पा रहे हैं, क्या चाहते हैं गुरु महाराज जी से हम,
जितने परिमाण में हम लक्ष्य करेंगे उस वस्तु को, उतने परिमाण में उनका मौन टूटेगा। वो मौन धारण नहीं करना चाहते हैं, इस बात को जान लीजिए। अरे उनको तो बड़ा प्रिय था, अस्वस्थ होने पर भी वो ब्रजमंडल की परिक्रमा, नवदीप की परिक्रमा जिन्होंने देखा है उनको स्मरण होगा, वो सबसे मिलना चाहते थे। अस्वस्थ होने पर भी सब भक्तों के बीच में से जाना चाहते थे। उनको बड़ा प्रिय था भक्तों से वार्तालाप करना, एक एक भक्त के साथ में मिलना, एक एक भक्त से पूछना उनकी भजन कुशलता के विषय में, उनको बड़ा प्रिय था। वो मौन धारण नहीं करना चाहते, वो तो चार चार बार हरि कथा कहते थे, सारा दिन थकते ही नहीं थे हरि कथा कहते हुए। कितना भी उनको बुलवा लो वो कभी नहीं थकते थे, वो कभी क्लांत नहीं दिखाई देते थे, बड़ा उत्साह उनके भीतर में होता था। तो हमको समझना इन बातों, क्या संपत्ति गुरु महाराज जी हमको देकर गए, हमको समझना इस बात को। ऐसे ही मौन नहीं हो गए वो, ऐसे ही मौन नहीं हो गए। हमको प्रार्थना करनी है, हमको रोना, हमको क्रंदन करना है। आप यदि मौन धारण करके बैठेंगे, 10 वर्ष हो गए, आप यदि मौन धारण करके बैठेंगे, कौन हमारे मंगल की बात कहेगा, कौन हमसे बतलाएगा हम सही सही ठीक ठीक रूप में साधन कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम आपके विचार को आपके भाव को लक्ष्य कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कौन बतलाएगा मेरे मंगल की बात, कौन कहेगा। प्रभुपाद जी क्रंदन करते थे बाबा जी महाराज के लिए, मौन धारण कर दिया बाबा जी महाराज ने, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा। तो यदि हम वास्तव हृदय से क्रंदन करेंगे, यदि कर्मी ज्ञानी अन्याभिलाष को दूर छोड़ दे, करक कामनी प्रतिष्ठा की आशा को दूर छोड़ दे, एकमात्र गुरु के हृदय की संपत्ति को लक्ष्य करें। एक क्षण के लिए गुरु मौन धारण नहीं कर सकते, एक क्षण के लिए। श्री प्रभुपाद जी कहते क्यों, गुरु क्या है, गुरु मंगलमय है, गुरु की प्रत्येक क्रिया मंगलमय है, गुरु का प्रत्येक आदर्श मंगलमय है, गुरु का प्रत्येक चरित्र मंगलमय है। तो इसलिए हमको संपत्ति को लक्ष्य करना है भाई, ऐसे ही नहीं छूट जाना है, सुकृति अर्जित करके नहीं जाना है, अंततः अपनी चेष्टा तो करें। वो तो बड़े दयालु थे, बड़े दयालु, अल्प को भी बहु मानने वाले थे, छोटी छोटी सेवाओं को देख करके जैसा उत्साह दिया करते थे उसको मुझसे नहीं कहा जा सकता है। अचिंत्य उनका प्रभाव, अचिंत्य उनकी शक्ति, कैसा उदार उनका चरित्र था, कैसा उदार उनका चरित्र, गुणों का दर्शन करने वाले थे, अब गुणों में भी गुणों को ढूंढ लिया करते थे, किसी का अपराध नहीं लेते थे किसी प्रकार से, बड़ा विशाल उनका हृदय था। ऐसा उनका हृदय था कि उसमें सबके लिए उपयुक्त स्थान उनके हृदय में था, ऐसा नहीं कि कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, उनका हृदय इतना विशाल था कि उसमें सबके लिए उपयुक्त स्थान था। बड़ा अद्भुत उनका चरित्र है, बड़ा अद्भुत उनका चरित्र, लक्ष्य करना होगा गुरु महाराज जी के चरित्र को हमको, क्या अद्भुत संपत्ति अपने हृदय में वो धारण करके बैठे थे। कहने के लिए तो कुछ और जा रहा था किंतु ऐसा भय गया कि समय ही बहुत ले लिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बड़े हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, अधिक समय ले लिया। ऐसे गुरु महाराज जी की शतवर्ष की अगले वर्ष आने वाली है, कितना उत्साह हमारे भीतर में होना चाहिए, कितना उत्साह, इसको तो जैसे चार पर नहीं जिसका पंख नहीं हो ऐसा उत्साह होना चाहिए। गुरु महाराज जी ऐसी संपत्ति दे गए, उनकी अगले वर्ष में शतवर्ष की है। हमारे अम्बरीश प्रभु जी, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी, हमारी लवंग मंजरी दीदी और बहुत सारे भक्त लोग इस शतवर्ष की उत्सव के लिए बड़े नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। गुरु महाराज जी के 10,000 से अधिक लेक्चर हैं जिनको साफ सुथरा करके, गुरु जी जब मथुरा में हरि कथा कहते थे, हमारा सड़क पर मठ होने के कारण बड़ा शोर होता था और गुरु महाराज जी की कथा सुनते सुनते टेप में जब सुनते कुछ डिस्टर्बेंस भी होती है, तो ये बड़ा प्रयास कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए, कितने सारे भक्तों को इन्होंने जोड़ दिया। शिला भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज जी कहते थे मैं स्वयं सेवा करूं, इससे श्रेष्ठ विचार है कि मैं तो सेवा करूं, मैं दूसरों को भी सेवा में लगाऊं, सबको सुयोग दूं। गुरु महाराज जी का क्या अद्भुत चरित्र था। कार्तिक में सब लोग गुरु महाराज जी की कथा सुनने आते थे, सब चाहते थे गुरु जी बोले, किंतु गुरु जी सबसे बुलवाते थे, सबसे बुलवाते थे और अंत में स्वयं बोला करते थे। ये गुरु महाराज जी की शक्ति है, गुरु महाराज जी की कृपा है। जो अभी महाराज जी बता रहे थे, इतने वक्ता उन्होंने प्रस्तुत किए, अपने सामने खड़े होकर समय दिया, सुयोग दिया, इतना उदार उनका चरित्र था, ऐसी उनकी उदारता थी। तो इसलिए ऐसे गुरु महाराज जी का ये शतवर्ष की उत्सव है, ये भक्त लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम सब ने भी गुरु महाराज जी के चरणों में निवेदन करके, विशेष करके आज हम हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, हमारे पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी, सबके निकट में जाकर हमने निवेदन किया इस प्रकार से कार्यक्रम करना है। बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी ने, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ने इस उत्सव को करना स्वीकार किया और बड़ा उत्साह दिया उन्होंने, बड़े आनंद के साथ में कहते तुम सब करो, हम लोग तुम्हारे जैसा तुम करना चाहोगे हम लोग तुम्हारे साथ में, सब कुछ बड़े होकर के हम करेंगे, तुम लोग भी करो, बड़ा उत्साह दिया बड़े हर्ष के साथ में। तो ऐसा निश्चय किया गया है कि नवदीप परिक्रमा के समय में संकल्प के दिन से ठीक 4 दिन पहले, अगले वर्ष जो नवदीप परिक्रमा आएगी उसमें संकल्प के दिन से ठीक 4 दिन पहले हम गुरु महाराज जी की शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में
सभी भक्त लोगों को बड़े आदर सम्मान पूर्वक हम लोग इस नवदीप धाम की परिक्रमा के से चार दिन पहले हम लोग निमंत्रण कर रहे हैं। आप देखिए सब गुरु जी का परिवार है, हम सब गुरु जी का परिवार है, इसलिए सबको स्वतः ही निमंत्रण है, किसी को ऐसा मत समझना, सबका दायित्व है। अंततः और कुछ नहीं कर सकते तो उत्सव में सम्मिलित होकर गुरु जी की कथा को सुनेंगे, ये भी बड़ी श्रेष्ठ गुरु जी की सेवा है। इसलिए चार दिन तक हम लोग क्या करेंगे, हमारे सब जयेश जो गुरु भ्राता है, पूज्यपाद परिव्राजक महाराज जी,